हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 15 प्लस 16 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 31 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 16 प्लस 18 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 36 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 18 प्लस 14 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 64 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 16 प्लस 10 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 15 प्लस 16 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 31 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे भी इक्वल दिया गया है 31 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 16 प्लस 18 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 34 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 136 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 18 प्लस 14 जिसका सम आपका इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 64 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 16 प्लस 10 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 26 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका, यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 15 प्लस 16 का सम जिसका सम आपका इक्वल होगा 31 के इक्वल होगा। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है उसी 31 का यूनिट प्लेस जो कि आपके पास है 1, और उसी 1 से कर देना आपको मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 31 मल्टीप्लाई 1 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 31 के इक्वल होगा, और 31 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 16 प्लस 18 का सम जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 34 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, आपको लेना है 34 का यूनिट प्लेस जो कि आपके पास है 4, और उसी 4 से करना है आपको मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 4 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 136 के इक्वल होगा, और 136 आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 18 प्लस 14 का सम जिसका सम आपके इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, आपको लेना है उसी 32 का यूनिट प्लेस जो कि आपके पास है 2, और उसी 2 से करना है आपको मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 32 मल्टीप्लाई 2 जिसका सम आपके इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा, और 64 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 16 प्लस 10 का सम जिसका सम आपके इक्वल होगा 26 के इक्वल होगा, और उसके नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, आपको लेना है 26 का यूनिट प्लेस जो कि आपके पास है 6, और उसी 6 से करना आपको मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 26 मल्टीप्लाई 6 जिसका सम आपके पास इक्वल होता है 156 के इक्वल होता है, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे आपके पास क्या आएगा, 156 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।